अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं गले की डिज़ाइनिंग करूँगी, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले गले की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चैपी ली है, जिसकी इस गले की जो लंबाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि सेंटर में जो है वो थोड़ा सा कपड़ा आएगा। और यहाँ पे जो लेस है वो उसका मैंने यूज़ करना है, जो कि गुम सिलाई से गले में जो है वो डिज़ाइनिंग होगी। तो यहाँ पे जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच ली है, और लंबाई मैंने जो है वो 9 इंच ली है। यहाँ से जो नीचे से हिस्सा है मैंने एक इंच से 1 पॉइंट कम का निशान लगा दिया नीचे वाली साइड पे, और जो ऊपर मैंने 3.5 का निशान लगाया था, इन दोनों निशानों को जो है मैंने मिला देना और इस तरीके से तिरछा निशान लगा देना है। अब गला बनाने के बाद जो हम चैपी वाले हिस्सा अंदर वाली साइड पे करते हैं, वो मैंने बाहर वाली साइड पे करना है। तो उसकी चौड़ाई मैंने उतनी रखनी है जितनी मैंने बाहर वाली साइड पे पट्टी इनकी रखनी है। तो मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट कम का निशान लगा के बाहर वाली साइड पे जो है वो निशान लगाया, और उसकी अब मैं कटिंग कर रही हूँ। क्योंकि जो चैपी का जो गला है वो मैंने अंदर वाली साइड पे जो है सीधे वाली साइड जो है वो फोल्ड करनी है। अब यहाँ पे जो है वो मैंने फोल्डिंग करनी है। सबसे पहले गले की ये साइड पे चैपी की जो है वो मैंने फोल्डिंग कर ली है, और अब ये लेस का जो उल्टी वाली साइड है वो मैं नीचे वाली साइड पे करके, तो यहाँ पे जो चैपी की जो मैंने सीधी सिलाई लगाई है गले की शेप में, वो उसके ऊपर ऊपर जो है मैंने लेस लगा देनी है। क्योंकि ये जो गला है ये वाला हिस्सा जो है वो गले की कमीज़ की सीधे वाली साइड पर ही आएगा, तो इसीलिए मैंने लेस जो है वो पहले लगानी है अटैच करने से पहले। तो ये सारी जो है वो मैंने लेस लगा लेनी है। इसको दूसरी वाली साइड पर लाने के लिए नीचे से मैंने जो है वो बॉल पेंट की हेल्प से जो है वो उसकी शेप चेंज कर लेनी है, या सीजर की हेल्प से, ताकि शेप जो है बिल्कुल ठीक है। अब लेस जो है वो मैंने लगा ली हुई है, तो यहाँ पे शर्ट की जो उल्टी वाली साइड है उसको मैंने ओपन करना है और वहाँ पर लगाना है। क्योंकि इसकी जो सिलाई लगा के, तो जिस तरीके से हम सिंपल अंदर वाली इस साइड पर फोल्ड करते हैं, इसको हमने सिंपल उसी तरीके से फोल्ड कर देना, लेकिन बाहर वाले साइड पर करना है, सीधी वाली साइड पर। तो यहाँ पे पहले मैंने इसका सेंटर कर लिया है। सेंटर करने के बाद सेम उसी तरीके से जो है हमने साइड की सिलाई लगा देनी है। अब जो हमने लेस की सिलाई लगाई थी वो बाहर वाली साइड पर नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर ऊपर ही लगानी है, ताकि लेस की जो नीचे से शेप चेंज नहीं हो और बिल्कुल ठीक तरीके से जो है सिलाई लगे। अब इसको मैंने बाहर वाली साइड पे पट्टी को निकाल लिया, और लेस जो है वो गुम सिलाई में जो है वो चले गई है। तो अब जो दूसरी वाली साइड है इसकी, उस पर भी मैंने लेस लगानी है। यहाँ पे मैंने 6 इंच का निशान लगा के नीचे वाली साइड पे पट्टी लगा देनी है। यहाँ पे 4 इंच का बन गया और ऊपर से 7 इंच का। तो अब ये बाहर वाली जो साइड है पट्टी की, यहाँ पर भी मैंने लेस लगा लेनी है। उससे पहले जो है वो इसको फिक्स करने के लिए एक ऊपर वाली साइड पे मैं सिलाई लगा लूँगी, ताकि नीचे से पट्टी भी जो है वो उसकी भी शेप आ जाए। अब इस सिलाई के बाद जो बाहर वाली साइड है वहाँ पे मैंने साथ साथ लेस लगाते जाना है, और साथ में सिलाई भी लग जाएगी। और इसके बाद गला जो है बिल्कुल तैयार है, और लेस लगाने के बाद मैं इसकी गले की जो है फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। ये एक साइड तो इसकी मुकम्मल हो गई है। अब दूसरी जो लेस लगानी है मैं उसका तरीका बता देती हूँ। तो इसकी लेस की सीधी वाली साइड ही रखनी है, और अंदर वाली साइड पे ऐसे फोल्ड करते जाना है और ऊपर सिलाई करते जाना। अब इसी तरीके से मुकम्मल जो है वो एंड तक मैं इसी तरीके से लेस जो है वो लगाती जाऊँगी। अब जब यहाँ से राउंड देना है और दूसरी वाली साइड पे लेस लेके जानी है, तो यहाँ से हमें एहतियात से करना पड़ता है, ताकि नीचे से लेस जो है वो ऊपर को नहीं हो जाए या फिर अंदर ज़्यादा ना चले जाए। तो यहाँ से इस शेप से जो है वो ध्यान से स्टिचिंग करनी होती है। अब यहाँ पे लेस जो है वो मुकम्मल लग गई है, गले की बिल्कुल फाइनल लुक है। उम्मीद है कि डिज़ाइनिंग आपको पसंद आई होगी, और कटिंग और स्टिचिंग दोनों अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।